बिहार समेत कई राज्य भीषण लू की चपेट में हैं, जिस वजह से इस वक्त दोपहर के वक्त में घर से बाहर निकलने से पहले भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया। जहां पहले यह फरमान 15 जून तक के लिए लागू था, तो वहीं 16 जून रविवार और 17 जून बकरीद की वजह से स्कूल बंद रहे। लेकिन वहीं इसे लेकर के अब नया फरमान जारी कर दिया गया है। बता दें, पटना जिलाधिकारी ने इसे लेकर के नया फरमान जारी किया है और नए फरमान में यह बताया गया है कि स्कूलों की छुट्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जारी पत्र में क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको बताते हैं। आदेश में यह साफ तौर पर बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान अनुसार पटना जिला में भीषण गर्मी और लू की स्थिति है, जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से डीएम ने आगे लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं अवधि विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मी विद्यालय कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्यों का संपादन करेंगे। बता दें कि पहले स्कूलों में छुट्टी के दौरान शिक्षकों को भी छुट्टी दी गई थी, लेकिन इस बार ये नहीं है। इस बार शिक्षक और विद्यालय के कर्मियों को उपस्थित रहकर अपने कार्यों का संपादन करना है। वहीं आपको बता दें कि स्कूलों को बंद रखने का आदेश 18 जून से लेकर 19 जून तक लागू किया गया है। यह आदेश दिनांक 17 जून को लागू किया गया। वहीं बता दें कि 2 दिनों की छुट्टी बढ़ाई गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।